नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के गीता भवन वाली गली में। साथियों, मेरे आने का कारण ये है क्योंकि यहाँ पर दो तीन युवकों की जबरदस्त पिटाई की जाती है कुछ लोगों द्वारा, और इनका यह कहना है कि उनके साथ हमारा कोई पुराना हिसाब किताब था और 5 साल बाद वो पैसे लेने आए, और आते ही ना आओ देखा ना ताओ देखा, और आते ही धड़ाधड़ इनके मारने लग गए। और यहाँ पर वर्मा सोया साहब का ये काम करते हैं और इनसे जानते हैं पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है। क्या नाम है? सत्यपांशु वर्मा नाम है। और मैं यहाँ पे सामने भैया के सोफा है इनकी, इनके पास में वो आतंकी मारने लगे, तो काफी देर तो गाड़ी क्लोज करा, हम जाके पूछने लगे कि भाई क्या बात हुई है। उन्होंने सीधा मेरा हाथ पकड़ा और बार खींच के मारा, सारा मेरा हाथ ऐसे पड़ा है और हाथ में मेरे गला घोटा है। उन्होंने साथ में दो बंदे आए पहले, तो तीसरा एक बंदा एक और आया थोड़ा बॉडी बिल्डर था लड़का, आगे उसे तो मेरा गला घोटा है और उनके हाथ में डंडे थे काफी, तीनों के पास ही डंडे मेरे पैर पे मारे हैं, पैर मेरा हो रहा है। उन गुंडों के साथ आपका कोई हिसाब किताब था क्या? हिसाब मेरा नहीं था हिसाब किताब, इनके साथ तो साथ ही गले क्रॉस करने लगे इधर। अच्छा जी, मैंने पूछा अभी क्या बात है, उन्होंने सीधा मेरा हाथ पकड़ा और मेरे को बाहर मारा, उन्होंने देखे यही मेरे साथ में हुई है। बाद में उड़ान लगे, इनको भी मारी है साथ में, पड़ोस वालों को भी मारी है हमारे पे, छोटा भाई है मेरा। कितने लोग थे वो? आए 3 जने थे, उसके बाद में और भी उन्होंने फोन वगैरह करके और बंदे बुलाए थे, और पापा के मारी है साथ में, उनके तो काफी जो है चोट आई है, हाथ लाल हो रही है और मेरे कपड़े फाड़ दिए और सारे मेरे पैर पे मारी है इन्होंने। आपका कोई हिसाब किताब था? मेरा हिसाब किताब 5 साल पहले मैंने उनका क्लियर कराया था, जो मेरे से मांगते थे मैं उनको देना था वो सब करके आ गया था। उसके बाद वो 5 साल बाद में आते हैं कि हमारे पैसे निकलते हैं, जब हिसाब किताब हो गया काजे पैकेज में पैसे थे 20,000 रुपए निकलते थे, उसके 20,000 मेरे निकलते थे, हम एक दूसरे को माल देते थे, अदला बदली में हिसाब किताब बराबर कर आए। अगर उस टाइम उनको नहीं समझ आया तो मेरे बात हाथों हाथ आते, मेरी दुकान वो जानते हैं, घर वो जानते हैं, उस टाइम आए नहीं। अब 5 साल बाद में हिसाब मांगते हैं, और 5 साल बाद में कौन देगा हिसाब? अगले दिन आते नहीं समझ आया तो मैं दोबारा समझाता, ये बात है। और यहाँ आके दुकान पे आके मारपीट की है, मेरे पास कस्टमर खड़ा था, आते ही उसके लात पे मारी है, उसका मेरे पास फोन नंबर है बकायदा, वो खुद दरखास्त दे सकता है। इधर आओ भाई साहब, इधर आओ, आप बताओ। हाँ जी भाई साहब, इधर आओ, क्या हुआ आप बताओ, आपके साथ ही मारपीट? हाँ मारपीट हुई मेरे साथ भी जी। क्या हुआ, क्या नाम? ये दोनों बेटो मान रहे थे जी, बेटे फोन आया पापा की लड़ाई होगी, तो मैं आया छुड़ा वास्ते, मैं क्या हो गया, क्या हो गया, वो 3-4 बंदे थे ही को मेरे को मार लगे पुड़ करा, यहाँ मार दिए मेरे पेड़ गुस्से मारे, उन्होंने हथियार भी थे उनके पास, हथियार ने बेल्ट मारे मुक्के मारे, बेल्ट में से पैंट निकाल रखी थी। हाँ जी हाँ जी, वीडियो है जी, परमानंद स्वामी राम जी और चेतन, वीडियो हमारे पास इसकी, छोटे भाई को भी मारा है, हमारे पास काम करने लगा उसको भी मारा है, कोई नहीं नहीं हिसाब किताब किया हुआ है क्लियर, हिसाब किताब में कोई कमी नहीं करके आए, पक्की बात है, पक्की बात है। अभी ये दे सकते हैं साथियों, कुछ लोग आते हैं ये वीडियो दिखा रहे हैं और दुकान के बाहर आकर किस तरीके से हमला करते हैं, वीडियो को शेयर करें, दोबारा चलाओ वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा साथी जुड़े और वीडियो को शेयर करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर दुकान के बाहर आकर ये आप देख सकते हैं वर्मा सोया चाप की काम करते हैं और यहाँ पर हमला हुआ है। तो सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा साथी जुड़े और वीडियो को शेयर करें, कैमरा ऑन है या कैमरा ऑन है, वीडियो को शेयर करें। कोई रिकॉर्डिंग नहीं है क्या आपके पास? रिकॉर्डिंग भी है जी, और साथ वाले की होगी रिकॉर्डिंग, और साथ वाली दुकान की होगी रिकॉर्डिंग। एक सेकंड, मरवर पड़ी है, एक सेकंड, ये भी रिकॉर्डिंग है, जाते हो संजय दिखाओ, ये देखो, ये जा रहे थे जब मैंने वीडियो बनाई थी उनकी। कितने लोग थे ये? 3 जने आए थे, बाद में एक दो और बढ़ गए थे, पहले दो आए, जाते हुए है इनके जी बस, वो वीडियो और बढ़िया, वीडियो और बढ़िया। काकू तो वीडियो को शेयर करें, किस तरीके से खुलेआम सरेआम गुंडागर्दी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं और बीच बाजार में वीडियो दिखाओ भाई, बीच बाजार में यहाँ पर गुंडागर्दी हुई है। अगर इनसे कोई हिसाब किताब था, पैसे लेने थे तो आप कानूनी तरीके से ले सकते थे, लेकिन इस तरीके से गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, गुंडागर्दी दिखाकर आप ऐसे पैसे नहीं ले सकते। वीडियो को शेयर करें, ये देखो
वीडियो को शेयर करे गुंडागर्दी ऐसे दिखाकर? ऐसे माल लाते हैं आपने तो पहले नहीं की होगी? नहीं नहीं, हमें हमें मारा को मसला ही नहीं था जी, हमने क्यों मारा था उनको? नहीं देखा, पापा के बेल्ट मारेंगे, देखा कोई नहीं, पापा के बेल्ट मारेंगे, देखो ये पीछे बेल्ट लेके आएगा तो पापा के बेल्ट मारे, देखो बेल्ट निकाले, ये बेल्ट मारी है, मेरे आंख में मार दी उसने, बेल्ट मारी सर, आंख में बेल्ट मारी सर, यहाँ मेरे लगी है, देख लो आप मेरे देखो लाल हो रही है। तो सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, यहाँ पर खुलेआम सरेआम गुंडागर्दी का जो नजारा है वो देखने को मिला और यहाँ पर पिटाई की जाती है, खुलेआम सरेआम आते हैं, अगर कोई हिसाब किताब था तो वो आराम से मांग सकते हैं, कोई हिसाब किताब था? नहीं सर, हम तो छुड़ाने वाले थे, हम तो हमारा आप छुड़ाने वाले? हाँ हमारा कोई मसला नहीं था, आपका कोई मसला नहीं, हमारा वो मसला है, हम तो सिर्फ छुड़ाने गए थे, छुड़ाने के दौरान उन्होंने हमारा तबाही करी है, दोनों बच्चे मारे हैं, लेबर कुट दी, बाद में तो मेरे को मारा उन्होंने। तो आप देख सकते हैं ये छुटाने आए थे और इनके ऊपर भी उन लोगों ने हमला कर दिया। तो दूसरा पक्ष से भी कहना चाहता हूं कि अगर आपकी बातों में कोई सच्चाई है तो आप भी अपना पक्ष रख सकते हो, इन्होंने तो अपनी बात रख दी। दूसरे भाई साहब कह रहे हैं कि मेरा कोई हिसाब किताब 5 साल पुराना था और 5 साल पुराना था और मेरे से वो कोई पैसे नहीं मांगते और आकर खुलेआम सरेआम हमला कर दिया। तो सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।